प्यारे बच्चों, मैं बीरेंद्र कुमार सिंह, प्रवक्ता राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर। आज हम आपके लिए ले आए हैं एक समतल में गति का भाग तीन। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि इस भाग तीन के अंतर्गत कौन कौन से शिक्षण बिंदु होंगे जिन पर आप लोग आज अध्ययन करेंगे, उसको हम लोग पहले देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि शिक्षण के बिंदु आज क्या क्या होंगे हम लोग के। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लंब कोणीय एकांक सदिश, उसके पश्चात देखेंगे स्थित सदिश एवं विस्थापन क्या होता है, औसत वेग एवं तात्क्षणिक वेग क्या होता है इसको भी देखेंगे, औसत त्वरण एवं तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है ये भी देखेंगे, एक समान त्वरित गति ये भी देखेंगे, आपेक्षिक वेग क्या होता है ये भी देखेंगे, और लास्ट में हम लोग एकांकिक प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आज का व्याख्यान समाप्त करेंगे। तो बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं कि लंब कोणीय एकांक सदिश होते क्या हैं। इसी अध्याय के भाग एक में आप एकांक सदिश पढ़े हैं, और आप जानते हैं कि एकांक सदिश को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों के ऊपर कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश ए है, ऐसे इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। उसी एकांक सदिश के आधार पर आज हम लोग देखेंगे क्या होता है लंब कोणीय एकांक सदिश है। तो हम जब बात करते हैं त्रिविमीय अंतरिक्ष में, यानी थ्री डायमेंशनल में जब आप बात करेंगे, तो थ्री डायमेंशनल में तीन अक्ष खींचते हैं और ये तीनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं। एक अक्ष हो गया एक्स अक्ष, दूसरा का हो गया वाई अक्ष और तीसरा हो गया जेड अक्ष। याद रखिएगा, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। ठीक, इन अक्षों के धनात्मक दिशा में जो एकांक सदिश होते हैं उसे हम लोग नाम देते हैं लंब कोणीय एकांक सदिश। तो त्रिविमीय अंतरिक्ष में एक हम लोग बिंदु लिए हैं O, और उसी बिंदु O को मूल बिंदु मानकर तीन अक्ष खींच रहे हैं, OX जो कि X अक्ष है, OY जो कि Y अक्ष है, OZ जो कि Z अक्ष है। इन अक्षों के धनात्मक दिशा में जो एकांक सदिश है वही है आपका लंब कोणीय एकांक सदिश। तो X अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर I, Y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश J और Z अक्ष की दिशा में एकांक सदिश K होता है। चूंकि हमारे जो ये अक्ष हैं ये परस्पर लंबवत हैं, इसलिए ये जो यूनिट वेक्टर आई हो, चाहे यूनिट वेक्टर जे हो या यूनिट वेक्टर के, ये परस्पर लंबवत होते हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ जब इनका परिमाण देखा जाता है तो इनका परिमाण एक होता है, कितना रहेगा याद रखिएगा, इनका परिमाण एक होता है, यानी मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर जे इज इक्वल टू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर के इज इक्वल टू हो जाएगा 1। यानी ये लंब कोणीय एकांक वेक्टरों का जो परिमाण होता है वह एक होगा, याद रखिएगा। क्या चीज होता है एक समतल में गति? प्यारे बच्चों, इसके पूर्व के अध्याय में आपने सरल रेखा में गति का अध्ययन किया होगा। वहां पर आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई पिंड ऐसे त्वरण के अधीन गति करे जिसकी दिशा पिंड के प्रारंभिक वेग के अनुदिश हो या उसके ठीक विपरीत हो, तो ऐसी स्थिति में वह पिंड एक सरल रेखा पर गति करता है। ठीक, लेकिन अगर पिंड एक ऐसे त्वरण के अंतर्गत करे जहाँ के त्वरण की दिशा पिंड के प्रारंभिक वेग की दिशा से भिन्न हो, तो समय के साथ पिंड का वेग की दिशा और उसका परिमाण लगातार बदलता है और वह पिंड एक ऐसे पथ पर गति करता है जो समतल में होता है, इसलिए उसका नाम दिया जाता है एक समतलीय गति। एक समतलीय गति को हम लोग जो है द्विविमीय गति भी कहते हैं,
यानी वहाँ पर दो गतियाँ एक साथ होती हैं। तो एक समतल में गति का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि स्थित सदिश क्या होता है और विस्थापन, इसकी परिभाषा हम लोग कैसे दें। जैसे मान लीजिए कि कोई पिंड है और वह एक समतल में गति कर रहा है, या कोई वस्तु है एक समतल में गति कर रहा है और किसी क्षण वह एक समतल में बिंदु P पर है। कहाँ पर है? P पर है। अब आप क्या करिए कि उसी समतल में एक स्वच्छ बिंदु O ले लीजिए और उस बिंदु O को मूल बिंदु मानकर दो समकोणिक अक्ष OX X अक्ष हो जाएगा और OY Y अक्ष खींच दीजिए। अब यहाँ पर जो वेक्टर रेखा OP होगी, यह वेक्टर रेखा उस पिंड के स्थित को प्रदर्शित करेगा, यानी वेक्टर R स्थित सदिश होगा। इस स्थित में अगर बिंदु P के निर्देशांक आप लेते हैं X और Y है तो वेक्टर रेखा OP बराबर हो जाएगा स्थित वेक्टर R और यह हो जाएगा आपका X यूनिट वेक्टर I प्लस Y यूनिट वेक्टर Z, जहां X बता रहा है आपका वेक्टर R का X अक्ष के अनुदिश घटक का परिमाण। इसी प्रकार जो y है वो भी बताता है वेक्टर r का y अक्ष के अनुदिश घटक का परिमाण। और साथ ही साथ देख लीजिए जो इस वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित होगा इसका मान हो जाता है x यूनिट वेक्टर i और यहाँ से जो वेक्टर द्वारा प्रदर्शित होता है इसका मान हो जाता है y z। आइए अब अगला हम लोग देखते हैं क्या चीज होता है विस्थापन। मान लीजिए कि कण चित्रानुसार एक वक्र पथ पर गति कर रहा है, गति के दौरान किसी समय t पर कण बिंदु P पर है और बिंदु P का जो निर्देशांक है वह एक्स वाई है। तो ऐसे स्थिति में O के सापेक्ष बिंदु P की जो स्थित होगी वह स्थित वेक्टर R बराबर हो जाएगा आपका एक्स यूनिट वेक्टर I प्लस वाई यूनिट वेक्टर Z। ये हो गया। अब जो कि पिंड गतिमान है तो मान लेते हैं किसी वक्र पथ पर कुछ समय पश्चात फिर आगे चला जाता है और समय t डैश पर वह p डैश पर पहुंचता है, जहां p डैश का जो निर्देशांक है x डैश y डैश है, तब हम लोग क्या करेंगे कि O के सापेक्ष P का स्थित जो वेक्टर आ जाएगा वो वेक्टर होगा R डैश बराबर X डैश यूनिट वेक्टर I प्लस Y डैश यूनिट वेक्टर Z। अब चूंकि जैसे परिभाषा से जो विस्थापन होता है वह प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों का अंतर होता है, इसलिए यहाँ वेक्टर R डैश में से वेक्टर R को घटाएंगे। तो घटाने के लिए देखिए आप सबसे पहले आप क्या करते हैं कि मान लीजिए यदि विस्थापन वेक्टर आपका ये हो गया डेल्टा R, तो ये हो जाएगा वेक्टर डेल्टा R बराबर वेक्टर R डैश माइनस वेक्टर R। अब आप मान रख दीजिए R डैश और R डैश R का यहाँ पर गलती हो गया है, ये हो जाएगा आपका ये वेक्टर R, इसका मान रखेंगे आप पाएंगे तो X डैश यूनिट वेक्टर I प्लस Y डैश यूनिट वेक्टर Z माइनस एक्स आई प्लस वाई जे, या इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स डैश माइनस एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई माइनस वाई
इंटू यूनिट वेक्टर जे, इसके जगह पर आप ले सकते हैं डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, ये हो जाएगा आपका विस्थापन सदिश यानी डेल्टा आर की वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए जो डेल्टा एक्स है वो हो जाता है एक्स डैश माइनस एक्स और डेल्टा वाई बराबर है वाई डैश माइनस वाई। इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं विस्थापन क्या होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं औसत वेग क्या होता है। तो किसी गतिमान कण के विस्थापन और समयांतराल के अनुपात को हम लोग औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समयांतराल। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर वी ए वी से। तो वेक्टर वी ए वी इक्वल टू विस्थापन हो गया आपका डेल्टा आर वेक्टर बटे डेल्टा टी। या अगर आप डेल्टा आर का मान पहले से रख दे रहे हैं तो वी ए वी वेक्टर बराबर हो जाएगा डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे बटे हो जाएगा डेल्टा टी आर। इसको आप लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी यूनिट वेक्टर आई प्लस डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी इंटू यूनिट वेक्टर जे। यहाँ पर डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी औसत वेग का एक्स अक्ष के अनुदिश घटक का परिमाण बताएगा। डेल्टा वाई बटा डेल्टा टी औसत वेग का वाई एक्स के अनुदिश घटक का परिमाण बताएगा। जब हम लोग औसत वेग की दिशा की बात करेंगे तो उस औसत वेग की दिशा जो है विस्थापन की दिशा में होगा, यानी जिस दिशा में विस्थापन होगा उसी दिशा में आपका औसत वेग होगा, यानी डेल्टा आर की दिशा में ही वी वेक्टर वी ए वी की दिशा होगी। आइए हम लोग देखते हैं अब तात्क्षणिक वेग क्या होता है। औसत वेग के सीमांत मान को तात्क्षणिक वेग कहते हैं जबकि समय अंतराल शून्य की ओर अग्रसर हो, यानी डेल्टा टी शून्य की ओर अग्रसर होना चाहिए लेकिन इसका मान शून्य के बराबर नहीं होता है। तो किसी समय टी पर तात्क्षणिक वेग को हम लोग ऐसे परिभाषित करते हैं कि वेक्टर वी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर वेक्टर ओवर डेल्टा टी। आर लिख सकते हैं आप इसका जो जाएगा डी आर ओवर डी टी, ये हो जाता है आपका तात्क्षणिक वेग। ठीक है, पथ के किसी बिंदु पर तात्क्षणिक वेग अगर हम लोग दिशा निकाल लें तो वो जो दिशा होती है उस वक्र पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। कैसे, आइए हम लोग एक चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए दो बिंदु लिया गया P1 और P2, किसी समय अंतराल मान लीजिए डेल्टा T1 में, यहाँ पर जो आपका विस्थापन मिला है वो डेल्टा R1 वेक्टर है। डेल्टा T2 समय में जो विस्थापन मिला है वो डेल्टा R2 वेक्टर हो गया। डेल्टा टी थ्री समय में देखा जाए तो जो विस्थापन है वो डेल्टा आर थ्री है। इन चित्रों को देखिए, जब हम समयांतराल को कम करते जा रहे हैं यानी डेल्टा टी थ्री लेस देन डेल्टा टी टू लेस देन डेल्टा टी वन, तो जैसे जैसे आप समयांतराल को कम करते जाएंगे आप देखेंगे कि विस्थापन का मान घटता जाता है। और जब यही समयांतराल डेल्टा टी शून्य की ओर अग्रसित हो जाता है तो वहां पर देखिए जो डेल्टा वेक्टर आर की दिशा हो जाती है वही वेग की दिशा हो जाती है, यानी ये वेग की दिशा बता देता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग जो तात्क्षणिक वेग है उस तात्क्षणिक वेग को उसके घटक के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए अब इसके पहले आप लोग पढ़े हैं कि v इज इक्वल टू वेक्टर v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो डेल्टा r ओवर डेल्टा t, ये परिभाषा से है जो हम लोग अभी देखे हैं।
अब आप क्या करिए, इसी विस्थापन का मान रख दीजिए, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये डेल्टा एक्स आई यूनिट वेक्टर आई प्लस डेल्टा वाई यूनिट वेक्टर जे बटे हो जाएगा आपका डेल्टा टी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आई, और ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी प्लस यूनिट वेक्टर जे, ये हो जाएगा आपका डेल्टा, हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी। ये हो जाता है पूरा आपका वी एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस ये पूरा हो जाता है वी वाई, और बाद में यहाँ पर गुणा करनी है जे, ये हो जाएगा वेक्टर वी के बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वी एक्स और वी वाई प्राप्त हो रहे हैं, यह वेक्टर वी का एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश घटक का परिमाण है, यानी वेक्टर वी का एक्स अक्ष के अनुदिश घटक का परिमाण हो जाएगा आपका वी एक्स। इसी तरह से आप पा जाएंगे वाई एक्स के अनुदिश, ये हो जाएगा आपका वी वाई। ठीक, अगर आप चाहें तो इसके आधार पर हम लोग इस वेग का जो है, तो वेग का परिमाण हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इसके आधार पर आप लोग वेग का परिमाण ज्ञात कर लेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्या चीज होता है आपका औसत त्वरण। तो किसी गतिमान वस्तु का एक्स वाई तल में औसत त्वरण वेग परिवर्तन और समयांतराल के अनुपात के बराबर होगा, यानी किसी समयांतराल में जो उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, वो बता देगा आपका औसत त्वरण, यानी औसत त्वरण बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो यहां पर औसत त्वरण को हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं वेक्टर ए वी द्वारा, तो वेग परिवर्तन हो गया डेल्टा वी वेक्टर बटे समयांतराल हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक, अगर आप चाहते हैं तो डेल्टा वी का वैल्यू आप पिछले समीकरण से रख करके इस औसत त्वरण का एक्स एक्स के अनुदिश और वाई एक्स के अनुदिश घटक निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्या चीज होता है तात्क्षणिक त्वरण। कण का तात्क्षणिक त्वरण इसके औसत त्वरण के सीमांत मान के बराबर होता है, यानी सीमांत मान के बराबर होगा, लेकिन वहां पर कंडीशन है कि जब समय अंतराल शून्य की ओर अग्रसित हो, यानी यह शून्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। अब यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए यदि तात्क्षणिक त्वरण अगर आपका ए है तो ए बराबर हो जाएगा वेक्टर ऑफ ए बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो वेग परिवर्तन डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और इसको आप लिख सकते हैं कि वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा डी वी ओवर डी टी। ये हो गया आपका तात्क्षणिक त्वरण का मान। अगर इसको घटक के रूप में लिखना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर वेग को हम लोग परंतु देखिए कैसे लिखते हैं, परंतु वेक्टर v इज इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके वी एक्स यूनिट वेक्टर i प्लस वी वाई यूनिट वेक्टर j, इसी समीकरण मान रखिए तो ये वेक्टर a इज इक्वल टू हो जाएगा d ओवर डी टी, ये हो जाएगा वी एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस वी वाई यूनिट वेक्टर जे, ये हो जाएगा आपका डी वी एक्स बटे डी टी, ये हो जाएगा डी वी एक्स बटे डी टी प्लस यहाँ हो जाएगा आपका जे,
dvy/dt, ये हो जाएगा एज इक्वल टू आर, एज इक्वल टू हो जाएगा इसकी जो वैल्यू होता है ए एक्स आई और इसको हम लोग कहते हैं ए वाई जे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप ए एक्स और ए वाई इस तात्क्षणिक त्वरण वेक्टर ए का एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश जो घटक आएगा उसका परिमाण है ये। एक समतल में एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति आपने एक सरल रेखा में गति में भी अध्ययन किया होगा, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग एक समान त्वरित के अंतर्गत कर रहे हैं इसका उपयोग हम लोग आगे चल के प्रक्षेप गति में करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका अध्ययन यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु एक्स वाई समतल में यानी एक कोई तल है उसमें नियत त्वरण ए के अंतर्गत कर रही है। प्रारंभ में जब वह टी बराबर जीरो समय यानी जब प्रारंभ की बात करेंगे तो टी बराबर जीरो रखते हैं उसका स्थित आर जीरो है और टी समय बाद इसकी स्थित वेक्टर आर हो जाती है। प्रारंभ में उसका वेग यानी टी बराबर जीरो पर उसका वेग है आपका वेक्टर यू और टी समय बाद उसका वेग वी हो जाता है। अतः समय अंतराल डेल्टा टी बराबर टी माइनस जीरो यानी टी में उसका जो औसत त्वरण होगा तो वही त्वरण ए ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पूरी गति के दौरान त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे इस दशा में हम लोग देखते हैं अब औसत त्वरण, औसत त्वरण ए बार बराबर जाएगा नियत त्वरण, यहाँ पर देखिए त्रुटि है ये वेक्टर ए होगा तो ये नियत त्वरण ए के बराबर ही होगा। अब आप परिभाषा से आइए, त्वरण ए बराबर आप लिखते हो ना वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाइए तो वेक्टर वी माइनस वेक्टर यू अब बटे समय अंतराल हो जाएगा आपका डेल्टा टी बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटे डेल्टा t के जगह पर आप t रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब घटा रहे डेल्टा t बराबर t माइनस जीरो तो केवल t मिल रहा है, इसका यहाँ से तिरिया गुणा करिए तो आप पाएंगे वेक्टर v माइनस वेक्टर u बराबर हो जाएगा वेक्टर at और वेक्टर v बराबर u वेक्टर u प्लस at। ये जो समीकरण देख रहे हैं यह एक समतल में गति का प्रथम शुद्ध गति की समीकरण है और इसको आप दो अक्षों के अनुदिश लिख सकते हैं। कैसे? देखिए वी एक्स बराबर हो जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी, यह एक्स अक्ष के अनुदिश रहेगा और साथ ही साथ वी वाई बराबर लिख सकते हैं यू वाई प्लस ए वाई टी, ये जाएगा वाई अक्ष के अनुदिश रहेगा, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो आप एक समतल में गति का प्रथम शुद्ध गति की समीकरण प्राप्त कर लिए। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा क्या होगा, स्थित में परिवर्तन ज्ञात करते हैं। अब समय अंतराल में पहले हम लोग निकालेंगे औसत वेग क्या होगा, तो औसत वेग बराबर हो जाएगा आपका अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग यानी वेक्टर v प्लस वेक्टर u बटे दो हो जाएगा। डेल्टा t बराबर t समय में, समय में अब हम लोग निकालते हैं विस्थापन, तो वो विस्थापन हो जाएगा वेक्टर r माइनस वेक्टर r जीरो बराबर औसत वेग, वेग गुणे समयांतराल, समयांतराल। तो ये हो जाएगा आपका औसत वेग का मान यहाँ से वेक्टर v प्लस वेक्टर u बटे दो और समयांतराल डेल्टा t बराबर आपका t है। अब पहले समीकरण से v का मान रख दीजिए तो u प्लस वेक्टर u प्लस वेक्टर at प्लस वेक्टर u कुल का बटा हो जाएगा दो अब गुड़े हो जाएगा t, क्योंकि आप अभी पढ़े हैं कि वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर at।
इसको आप सिंपली इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से कटेगा यहाँ पर, तो हो जाएगा सिंपली वेक्टर ut प्लस हाफ वेक्टर ए टी स्क्वायर, ये हो जाता है वेक्टर r माइनस वेक्टर r जीरो बराबर है, या वेक्टर r बराबर जाएगा वेक्टर r जीरो प्लस ut, वेक्टर ut प्लस हाफ वेक्टर ए टी स्क्वायर। ये जो समीकरण आप देख रहे हैं ये समीकरण बताता है एक समतल में गति का द्वितीय शुद्ध गति की समीकरण, ये समीकरण 2 है। अगर आप इसको भी चाहते हैं तो x अक्ष और y अक्ष के अनुदिश घटक के रूप में लिख सकते हैं, कैसे देखिए x इक्वल टू x जीरो प्लस uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 का पहला हो गया, ये x अक्ष के अनुदिश हो जाएगा, y इक्वल टू y जीरो प्लस uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, ये दूसरा का b हो गया। इन सभी समीकरणों से स्पष्ट हो जाता है कि किसी समतल में एक समान त्वरित गति को दो अलग अलग एक दूसरे से स्वतंत्र समकालिक एक बिंबी गतियों के रूप में समझ सकते हैं जो कि परस्पर लंबवत दिशाओं में होती हैं, यानी दो गतियां होंगी साथ साथ भी होंगी लेकिन दोनों ही दूसरे से स्वतंत्र होंगी। आइए बच्चों अब इसी के आधार पर अगर हम चाहें तो एक समतल में गति का तृतीय शुद्ध गति की समीकरण इस रूप में लिख सकते हैं कि वेक्टर वी डॉट वेक्टर वी इज इक्वल टू वेक्टर यू डॉट वेक्टर यू प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए आर वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर जीरो। ये जो समीकरण हमको प्राप्त हो रहा है ये समीकरण उपरोक्त तो दोनों समीकरण यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 के द्वारा प्राप्त है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्या चीज होता है आपेक्षिक वेग। बच्चों इसके पहले अध्याय में भी आप लोग ने आपेक्षिक वेग पढ़ा होगा, लेकिन वो आपेक्षिक वेग एक ही दिशा यानी सरल रेखा के अनुदिश के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपेक्षिक वेग है यह जो है समतल के लिए है यानी दो दिशाओं में होगा। ठीक है, मान लीजिए दो वस्तु हैं ए और बी, वस्तु ए का वेग v है, वस्तु b का वेग vb है और एक ही निर्देश तंत्र में यानी दोनों एक ही तल में कहीं गति कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वस्तु a का b के सापेक्ष, a का b के सापेक्ष वेग जो जाएगा वो आएगा आपका v वेक्टर va माइनस वेक्टर vb। लेकिन कोई ये कहे कि b का a के सापेक्ष क्या वेग होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि b के वेग में से a के वेग को घटाएंगे, यानी तब हो जाएगा आपका b का a के सापेक्ष वेग वेक्टर vba बराबर वेक्टर b माइनस वेक्टर a। इन दोनों समीकरण को ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि वेक्टर वी बी ए बराबर माइनस वेक्टर, देखिए हम स्प्रिंटिंग हो गया है, ये आपका होना चाहिए वेक्टर वी ए बी बराबर माइनस वेक्टर वी बी ए, और अगर परिमाण में देखा जाए तो दोनों ये परिमाण में आपस में समान हैं। आइए अब हम लोग एक आंकिक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो ऊर्ध्वाधर में वर्षा हो रही है तो वर्षा का वेग वी आर वेक्टर बराबर है ये 35 मीटर प्रति सेकंड ऊर्ध्वाधरतः नीचे है, ऊर्ध्वाधरतः नीचे है। ठीक है, और मॉड ऑफ वी आर बराबर तब लिखेंगे आप 35 मीटर प्रति सेकंड। महिला की चाल को हम लोग वी एम से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये है 12 मीटर प्रति सेकंड, किधर की ओर चल रही है ये पूरब से पश्चिम, यानी ये पश्चिम है, पश्चिम दिशा में है। ठीक, अब इनका जब परिमाण निकालेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर वी एम इक्वल टू हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ दोनों जगह पर यहाँ और यहाँ दिशा से लेना देना नहीं है। एक उचित पैमाना लेकर आप वेक्टर खींच लीजिए, तो जब आप वेक्टर खींचेंगे तो ऊर्ध्वाधर दिशा में ये मिल जाएगा आपका वेक्टर वी आर, और पश्चिम दिशा में आप देखिए मिलेगा आपको ऐसे वेक्टर वी एम,
ये पश्चिम दिशा में कैसे हम लोग निर्धारित किए, देखिए ये हो जाता है आपका नॉर्थ, है साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। चूंकि यहाँ पर महिला गति कर रही है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्षा की बूंद का महिला के सापेक्ष वेग निकालेंगे, यानी हम निकालेंगे वेक्टर वी आर एम, तो हो जाएगा वेक्टर वी आर माइनस वेक्टर वी एम, ठीक। इसके लिए क्या करेंगे, इसी वेक्टर से हम लोग घटाते हैं, तो घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों वेक्टरों को एक ही बिंदु से पहले खींच लीजिए, तो हो जाएगा आपका वेक्टर वी आर हो गया, और यहां पर देखिए इस दिशा में दिया है वेक्टर वी एम, ये वेक्टर वी आर हो गया। चूंकि वेक्टर वी एम को वेक्टर वी आर में से घटाना है, तो आप क्या करिए, यहां से ऐसे एक परिणामी वेक्टर खींच दीजिए, ठीक, तो हो जाएगा आपका वेक्टर वी आर एम। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ओ ए बी, तो इस ट्रायंगल ओ ए बी में अगर आप ले लेते हैं टैन ऑफ थीटा बराबर, तो इस थीटा के लिए हो जाएगा लंब, तो हो जाएगा मॉड ऑफ वी एम बटे हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसके लिए आधार मॉड ऑफ वी आर। अब आप मान रख दीजिए Vm का मान 12 हो गया है, हो जाएगा आपका 35, जब आप भाग कर देंगे तो ये पाएंगे 0.343, ये tan ऑफ थीटा बराबर हो गया, और थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 0.343, और ये बराबर जाता है आपका 19 डिग्री। अर्थात महिला को वर्षा से बचने के लिए उसे ऊर्ध्वाधर से पश्चिम दिशा में थीटा बराबर यानी 90 डिग्री कोण पर छाता रखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के व्याख्यान में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि जो भी कंटेंट दिए गए हैं उसको आप भली बात समझ गए होंगे। आप इसको पढ़िए, इस पर आधारित आंकड़े प्रश्नों को हल करिए। आगे हम लोग जो है दो वेक्टरों का गुणन और प्रक्षेप गति का अध्ययन करेंगे, और अपनी तैयारी इसी अनुसार बनाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।